नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आईपीएल 2019 का 23वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चेपक मैदान पर खेला गया। दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबले में मैच एक तरफा रहा। धोनी के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए केकेआर के बल्लेबाजों की एक न चलने दी, जिसमें 50 रन के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। गेंदबाजी के साथ साथ चेन्नई के खिलाड़ियों ने फील्डिंग में भी चार चांद लगा दिए। वहीं चेन्नई की फील्डिंग की बात हो और रविंद्र जडेजा का नाम ना हो, ऐसा होना नामुमकिन है। जी हाँ, कल के मैच में भी रविंद्र जडेजा ने कुछ ऐसा ही किया कि मैदान पर मौजूदा हर शख्स हक्का बक्का रह गया। पारी का 14वां ओवर चल रहा था, क्रीज पर रसेल थे जो कि अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। गुगलिन की भार जाती हुई गेंद को रसेल ने हवा में मार दिया। शॉट को देखकर सबने अनुमान लगा लिया था कि गेंद बाउंड्री के पार जाकर ही गिरेगी, लेकिन मिडफील्ड पर खड़े दुनिया के बेहतरीन फील्डरों में से एक रविंद्र जडेजा ने हवा में कूद लगाते हुए एक हाथ से गेंद को बाउंड्री के अंदर धकेल दिया। उनकी इस करिश्माई फील्डिंग को देखकर पावर हिटर आंद्रे रसेल भी दंग रह गए। जडेजा बॉल को कैच तो नहीं कर सके, लेकिन टीम के लिए 5 रन जरूर बचा लिए। हालांकि इस सीजन में बल्ले से और गेंद से चाहे रविंद्र जडेजा कुछ खास ना कर सके हो, लेकिन अपनी फील्डिंग से सभी टीमों के होश उड़ाते रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स 20 ओवर के खेल में कुल 108 रन ही बना सका, जिसमें कोलकाता के स्टार प्लेयर आंद्रे रसेल ने सबसे ज्यादा 50 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके बाद चेन्नई के बल्लेबाजों ने इस स्कोर को 7 विकेट रहते ही जीत लिया। मैच जीतने के बाद चेन्नई आईपीएल 2019 में 5 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल के टॉप पर है। मैच हारने के बाद भी कोलकाता नाइट राइडर्स पॉइंट्स टेबल के दूसरे स्थान पर बनी हुई है। इस कैच को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आईपीएल अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।